अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी। दोस्तों आज हम नेक्स्ट टेंस करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, लास्ट टेंस हमने किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आज हम करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में तो ये था ना कि मौजूदा जमाने में जो काम चल रहा हो या इन प्रोसेस हो तो वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और पास्ट कंटीन्यूअस क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है, पास्ट कहते हैं माजी गुजरा हुआ और कंटीन्यूअस कहते हैं जारी, टेंस कहते हैं जमाना। यानी माजी में कोई भी काम जारी हो तो उसके लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों इसकी पहचान क्या है, उर्दू के जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, जैसे अली खाना खा रहा था, सना अखबार पढ़ रही थी, रही थी, माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, मेरा भाई बातें कर रहा था। ठीक है, जब जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहा था आ जाए वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, ये तो होगी इनकी पहचान। आइए अब देखते हैं कि इनका बनाने का तरीका क्या है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होंगे वाज और वर। ठीक है, इसका बनाने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगाना है आईएनजी। कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस होंगे उन सब में आपने आईएनजी का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ जरूर करना है। ठीक है, कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं ना उनमें रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहेंगे, ये आता है। जब भी रहा रही होगा तो वहां पे हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा जरूर करना है। ठीक है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आ जाती है कि वाज और वर्ब को कहां इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन से क्या मुराद है कि हमारा एक नाम हो कोई सा भी, अली, सना, किताब, कोई सा भी एक नाम। ठीक है, तो इनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज। ठीक है, और अगर हमारा हो वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, ठीक है, प्लूरल नाउन्स हो तो हम क्या करेंगे, यानी प्लूरल नाउन क्या, अली और सना, अहमद और फैसल, ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो तो हम क्या करेंगे, उनके साथ लगाएंगे वर। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हो तो वाज आएगा, ये वाले सब्जेक्ट्स हो तो वर आएगा। ठीक है, चले आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। वो स्कूल जा रही थी तो हम क्या कहेंगे, शी, लड़की आएगा ना, रही थी, शी, शी के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज। शी वाज क्या कर रही थी, जा रही थी, शी वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, बच्चे भाग रहे थे, बच्चे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, चिल्ड्रन, वर, चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है और उसके साथ क्या आएगा, वर, चिल्ड्रन वर क्या कर रहे हैं, भाग रहे थे, रन, रनिंग। ठीक है, चिल्ड्रन वर
running. वो झूठ बोल रहा था. तो क्या कहेंगे? He रहा था. He के साथ कौन सा helping verb आएगा? Was. He was telling. वो बोल रहा था. क्या बोल रहा था? A lie. ठीक है. He was telling a lie. झूठ बोलने को telling a lie. He was telling a lie. वो झूठ बोल रहा था. वो टेनिस खेल रहे थे. तो क्या कहेंगे? वो खेल रहे थे. इसका मतलब है ज्यादा है. हम क्या कहेंगे? दे के साथ क्या आएगा? वर प्लेइंग टेनिस. ठीक है. दे वर प्लेइंग टेनिस. मैं कल खत लिख रहा था. मैं क्या है? आई. तो क्या कहेंगे? आई वॉज क्या कर रहा था? लिख रहा था. आई वॉज राइटिंग. क्या लिख रहा था? लेटर. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. तो कब लिख रहा था? कल. तो कल क्या होगा? आने वाला जो कल है वो होगा टुमारो. अब चूंकि रहा था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं और गुजरे हुए कल को क्या कहते हैं? Yesterday. ठीक है. Yesterday. मैं कल खत लिख रहा था. I was writing a letter yesterday. ठीक है. ये हमारे हो गए past continuous tense के sentences. ये उनकी कुछ examples कि इनको कैसे बनाया जाता है. ठीक है. चले अब इनके देखते हैं negative sentences को. जी दोस्तों, negative sentences बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. ठीक है. फिर आएगा वॉज और वर के बाद हम लगा देंगे नॉट. वॉज और वर के बाद लगा देंगे नॉट. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा. ठीक है. और वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है. हमने सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है? वाज और वर्ब के बाद नॉट लगा देना है. फॉर एग्जांपल, वो हॉकी नहीं खेल रहा था. मैं सेब नहीं खा रही थी. ठीक है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो क्या है? रहा था, यानी लड़का. ही के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वाज. He was और हम यहाँ पे was के फौरन बाद लगा देंगे not, क्योंकि जुमले में हमारा है नहीं. He was not verb की first form के साथ ing का इजाफा. He was not playing क्या नहीं खेल रहा था? Hockey. He was not playing hockey. मैं सेब नहीं खा रही थी. अब मैं हूं तो it means I के साथ कौन सा helping verb आएगा? Was. नहीं खा रही थी. I was not eating first form के साथ ing, eating an apple. ठीक है. I was not eating an apple. मैं सेब नहीं खा रही थी. ठीक है. ये है negative sentences हमारे. हमने क्या करना है? was और verb के फौरन बाद not लगा दें तो वो हमारा simple sentence जो है वो negative sentence में चेंज हो जाएगा. ठीक है. जी दोस्तों, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? हमने क्या करना है? सबसे पहले वॉज और वर को जुमले के शुरू में ले आना है. वॉज और वर को जुमलों के शुरू में ले आना है. फिर आएगा सब्जेक्ट. फिर आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ ing और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब चूंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिकरा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आएगा. ठीक है. चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं. ये हमारे कुछ जुमले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के. क्या अली स्कूल जा रहा था? क्या बच्चे खाना खा रहे थे? क्या अली और सना बातें कर रहे थे? अब इनको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है? क्या
It means ये हमारा सवालिया फिक्रा है. तो क्या अली, अली हमारा एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, वॉज. तो हम क्या कहेंगे, वॉज अली. क्या कर रहा है वो, उसका फेल क्या है, जाना, यानी गो, और गो के साथ आएगा आई एन जी. वॉज अली गोइंग टू स्कूल, वॉज अली गोइंग टू स्कूल. क्या बच्चे खाना खा रहे थे, तो क्या कहेंगे, बच्चे. इट मीन्स हमारा क्या है, प्लूरल है, ज्यादा है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, वर, वर चिल्ड्रन. क्या कर रहे हैं वो, ईटिंग. वर चिल्ड्रन ईटिंग फूड. ठीक है. क्या अली और सना बातें कर रहे थे. अब यहां पे देखें, अली और सना ये हमारे हो गए प्लूरल नाउन. यहां पे हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है. तो जब दोनों आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर, वर अली एंड सना बातें करना क्या होता है, टॉक, टॉकिंग. ठीक है, वर अली एंड सना टॉकिंग. ठीक है, यहां पे हमने क्या करना है, वर को शुरू में लगा देना है, वाज को शुरू में लगा देना है, तो वो हमारा सवालिया फिकरा बन जाएगा. ठीक, अब अगर हो सवालिया और मनफी दोनों, ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि सवालिया वैसे ही रहेगा, वाज वाज शुरू में, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम लगा देंगे नॉट. ठीक है, वॉज और वर शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा दें, तो वो हमारा मनफी और सवालिया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बन जाएंगे. ठीक है, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा और एंड पे ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब अगर मैं कहूं क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या कहूंगी, वॉज अली, यहां पे आ जाएगा नॉट, वॉज अली नॉट गोइंग टू स्कूल. और अगर मैं कहूं क्या बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, क्या बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या कहूंगी, वर चिल्ड्रन नॉट ईटिंग फूड. ठीक है, क्या अली और सना बातें नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, वर, दो अब सब्जेक्ट यहां पे कौन सा है, अली एंड सना, तो क्या कहूंगी, वर अली एंड सना, यहां पे आ जाएगा नॉट. ठीक है, वर अली एंड सना नॉट टॉकिंग. हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देंगे. ठीक है, तो ये हमारा सवालिया फिकरा भी बन जाएगा और मनफी फिकरा भी बन जाएगा. ठीक है जी दोस्तों, समझ आई आज आपको, ये कंटिन्यूस टेंस ये तीनों बहुत आसान है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी. ठीक है, प्रेजेंट भी हमने कर लिया, प्रेजेंट में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, इज आर एम, और पास्ट कंटिन्यूस में हमारे कौन से हो रहे हैं, वॉज और वर. ठीक है, दे आर वेरी इजी, तो इंशाल्लाह बाकी टेंसेस भी बहुत आसान है. दोस्तों कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो बगैर हिचकिचाहट के आप मुझे जरूर पूछा करें. ठीक है दोस्तों, आज इतना ही काफी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.